हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एवी टू वीजीए कन्वर्टर को। दोस्तों ये कन्वर्टर आपको देखिए, पुराने जो भी सेट बॉक्स होते थे जिनके एवी पोर्ट्स होते थे उनको आप जैसे मॉनिटर के ऊपर देख सकते हैं। तो ये मॉनिटर के लिए मैंने खरीदा है, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने देखा था HDMI खरीदा था मैंने, तो वो काम नहीं किया था, तो इसके लिए वीडियो नहीं आई थी। ठीक है, तो मेरा जो मॉनिटर है वो काम नहीं कर रहा था HDMI पे। पता नहीं HDMI पोर्ट लगा हुआ था, किस लिए लगा हुआ था पता नहीं मुझे। यहाँ पे देख सकते हो कुछ हाईलाइट फीचर यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1080p की इसकी पिक्चर क्वालिटी है, और इसकी अनबॉक्सिंग इस वक्त करने वाला हूँ मैं, तो इसकी प्राइसिंग भी बताने वाला हूँ आपको। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्लिपकार्ट से मैंने इसे परचेज़ किया है। तो यहाँ पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो प्राइसिंग है 1799 रुपये दे रखी है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर है। तो इसको निकालता हूँ बाहर। सबसे पहले तो जैसे इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो इसके अंदर एक तो मिलता है हमें USB 2, एक मतलब आपको इसको पावर देने के लिए होता है, ठीक है। ये एक मिलता है कोड इसका, और यहाँ पे एक दिया गया इनका खुद का मैन यूनिट। तो अब इसको निकाल, और कुछ नहीं इसके अलावा। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे है आउटपुट, आउटपुट VG निकलता है, VG आउटपुट निकलता है, ऑडियो भी निकलता है, एक अच्छी बात यहाँ पे ये रह जाती है। तो ये AV इनपुट है, जो पुरानी जैसे पुराने सेट बॉक्स आपके पास होते होंगे तो उसकी है इनपुट है, और ये आउटपुट है देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑडियो भी आउट निकल रहा है, और यहाँ पे AV का, ये वीडियो का है और ये ऑडियो का है, दोनों ऑडियो का लेफ्ट राइट का है। तो इसको देखिए ट्राई भी करने वाला हूँ मैं, तो ट्राई मैं इसी वीडियो के अंदर कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास जो मॉनिटर है वो है जेबेस्टर कंपनी, ये देख सकते हैं जेबरोनिक कंपनी का है, मतलब जेबिस्टर इसकी ब्रांडिंग है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं इसे। ये है जेबिस्टर कंपनी का। तो इसके पीछे दो पोर्ट्स दे रखे हैं, एक HDMI दे रखा है, तो HDMI काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने पहले HDMI वाला कन्वर्टर मंगवाया था। फिर देखिए वहाँ पे काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे पास एक सेट बॉक्स भी था HDMI वाला, सीधा कनेक्ट किया नहीं हुआ कनेक्ट। देख सकते हैं पीछे की साइड दोनों पोर्ट्स दे रखे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। फिर क्या किया मैंने, मैंने इस कन्वर्टर को फिर से उसको रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो रिफंड आ गया वापस खाते के अंदर। तो इसको खरीद लिया, तो अभी इसको चालू करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इसके अंदर देख सकते हैं, इस साइड देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं USB पावर यहाँ पे दी जाती है, तो 5 वोल्टेज पावर किसी भी से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये पिक्चर एडजस्ट करने के लिए है कि आप कितनी कैसी क्वालिटी आप लेना चाहते हैं, ठीक है, उस पर है। और यहाँ पे देख सकते VGA पोर्ट निकलता है। अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस साइड VGA पोर्ट को लगा देंगे, तो प्रॉपर तरीके से VGA को लगा दिया, VGA केबल को, और यहाँ पे ऑडियो वाली लगा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने ऑडियो वाली भी लगा दी है। अब देखिए यहाँ पे हमें जो है वीडियो पोर्ट देना इनपुट, और यहाँ पे देना है हमें ऑडियो का इनपुट, और मेरे पास एक ऑडियो है और यहाँ पे एक वीडियो। वीडियो तो दे देंगे, सबसे पहले तो इसे पावर देना ज़रूरी है, तो पावर देंगे तो ये स्टार्ट होगा। जैसे आप इसके अंदर पावर देंगे तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे भी आ गया 180 जो भी पिक्सल है वो भी आ चुकी है, नो सिग्नल आ रहा है, मतलब इसके अंदर कोई सिग्नल नहीं है फिलहाल। तो इसके अंदर हम जब देंगे इनपुट वीडियो तभी होगा। अब देखिए दोनों लगा दिए और वीडियो भी आ गया है वो वहाँ पर, तो ये वीडियो भी आ चुका है, तो देखिए थोड़ी सी क्लियरिटी कम होती होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम 180p पे कर देंगे, ठीक, पिक्सल इसकी, पिक्सल करने के लिए यहाँ पे देखिए 120 पे है, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे ना, ये हो जाएगी 180 पे। तो अभी फ़िलहाल 180 पे है शायद, तो ये देख सकते हैं 180 पे है, और बहुत बढ़िया है 1080p, तो काफ़ी अच्छी पिक्चर है। ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि इसकी क्वालिटी भी ऐसी है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि देखिए HDMI मैं लेके आया था, HDMI काम नहीं कर रहा था, और ज़्यादा मैं दिखा भी नहीं सकता, कॉपीराइट लगा सकते वो। तो यहाँ पे है VGA कन्वर्टर, ठीक है, तो ये VGA कन्वर्टर काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। तो इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर तो ज़्यादा प्राइस दी गई है, 1799 रुपये कुछ ऐसी दी गई है, लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। तो इसके अंदर आपको USB दे देनी है, और ऑडियो का कोई भी ले लेना है ऑडियो, जैसे मेरे पास ये स्पीकर्स है तो इनके अंदर ही ऑडियो आता है। ये देख सकते हैं क्वालिटी वाला चैनल है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, देख सकते हैं आप, ठीक क्वालिटी है। और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन होती है आपको मिल सके। धन्यवाद।